में दिया हुआ है रीड द नंबर एंड कलर द बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ बॉक्स हम बना लेते हैं। आपके और सारे बॉक्सेस हैं, और भी बॉक्सेस है। यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स ने मान लीजिए कि इसमें बोला है कि आप चार चार बॉक्स को इसमें कवर करना है। यहाँ पहले दिया हुआ है रीड द नंबर एंड कलर द बॉक्सेस, यानी नंबर्स को पढ़ना है और दिए गए बॉक्स को कलर करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फोर, यानी हम फोर लिख दिए। क्या करेंगे, इसमें फोर बॉक्स को गिन के इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इसको हम कलर कर देंगे, ये दूसरा बॉक्स हुआ, ये तीसरा बॉक्स हुआ और ये चौथा बॉक्स हुआ। इस बॉक्स को जितने नंबर दिए रहे हैं यहाँ पे उतना ही बॉक्स को कलर करना है। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, आगे दिया हुआ है सिक्स, यहाँ पे सिक्स बॉक्स को काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसको सिक्स को रंग देना है और बाकी को छोड़ देना है। नीचे फाइव दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, सेवन दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। और आपके आगे है ई नंबर दिया हुआ है, टिक द ऑब्जेक्ट एंड विच इज डिफरेंट, यानी ई नंबर दिया हुआ है टिक, वैसे ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो सबसे अलग हो, वैसे ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो सबसे अलग हो। जैसे दिया हुआ है फिगर में, इसमें हमको देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे अलग है, कौन सा ऑब्जेक्ट इस पांचों फिगर में कौन सा फिगर हमारा सबसे अलग है। इसमें देखने हैं कि ये रेक्टेंगल है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, और ये क्या है हमारा सर्कल है, यानी चारों ये चार फिगर रेक्टेंगल है और ये बीच का सर्कल, यानी सबसे अलग हमारे इसमें क्या है, ये सर्कल है। यहाँ नीचे बॉक्स दिया हुआ है, टिक द ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट, यानी जो भी डिफरेंट फिगर है उसको हमको क्या करना है, टिक करना है। ये चारों फिगर सेम है और ये बीच का फिगर क्या है, डिफरेंट है, इसमें क्या करेंगे हम टिक कर देंगे। इस आगे भी ऐसे फिगर दिया हुआ है, इसे ये ट्रेंगल बना दिया गया हुआ है और ये बीच में एक रेक्टेंगल ही बनाया गया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये सारे ट्रेंगल तो हमारा बराबर है, ये जो बीच वाला रेक्टेंगल है ये हमारा डिफरेंट यानी अलग है, इसको क्या करेंगे, ये इस पर हम टिक कर देंगे। वैसे ही फिगर दिया हुआ है, आप इसको बनाइए और जहाँ भी प्रॉब्लम हो अगले आगे पूछ सकते हैं हमसे। उस पर दिया हुआ लास्ट है जीरो, यानी कुछ फिगर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाउ मेनी गोट्स आर अंडर ट्री, इस ट्री के नीचे कितने सारे गोट है उसको काउंट करके लिखने के लिए इस बॉक्स में बोला गया है। तो काउंट करेंगे गोट को, वन टू थ्री, और यहाँ पर हम क्या करेंगे काउंट करके थ्री लिख देंगे। उसका वन हैज गोन गॉट सिर्फ, इस तीन में से एक गोट चला गया तो यहाँ पर कितने बचे, दो, यहाँ पे हम दो लिख देंगे। वैसे ही कह रहा है कि वन मोर देन गोन गोट्स लेफ्ट, इसमें से एक और गोट यानी एक और बकरी चला गया तो कितना बचा, एक, इसमें क्या लिखेंगे वन भर वन लिख देंगे। फोर नंबर दिया है वन मोर हैज गोन गोट्स लेफ्ट, यानी एक गोट यानी एक बकरी और चला गया तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर एक भी बकरी नहीं बचे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप जीरो लिखेंगे। नीचे दिया हुआ है मेंटल मैथ्स, आपको इसे खुद बनाना है, राइट इन वर्ड्स, यानी आप वर्ड्स जानते हैं टू को हम कैसे लिखेंगे। नंबर शुरू करें, टू का नंबर सेम क्या होता है, नंबर सेम जानते हैं टी डब्ल्यू ओ, इसको क्या कहते हैं टू, ये नंबर सेम होता है। जैसे मान लीजिए थ्री का पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम टी एच आर डब्ल्यू, टेन का पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम T-E-N, वैसे ही कुछ दिया हुआ है यहाँ पे नीचे में, आप इसको देखिए और इसमें बनाइए जहाँ प्रॉब्लम हो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बोला राइट नंबर्स फ्रॉम 10 टू 1, यानी 10 से 1 तक लिखना है, उल्टे उल्टा लिखना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, यानी 10 से 1 तक हमें लिखना है। और नीचे वाला में दिया हुआ है राइट द
नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से 10 तक, 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ बनाइए और पूछिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बताएंगे। धन्यवाद।